हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं करने वाला हूँ शोल्डर वर्कआउट्स यूजिंग ओनली सुपर डंबल्स और साथ में मैं उसका ऑल्टरनेटिव देने वाला हूँ आपको रेजिस्टेंस बैंड के साथ। सो अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड है तो आप कैसे एक अच्छा शोल्डर वर्कआउट कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं अपने प्री वर्कआउट में एक कप कॉफ़ी ले रहा हूँ। तो कॉफ़ी इज डन, अब चलते सीधा अपनी वर्कआउट की तरफ। इंट्रो तो रह गया, तो जब तक मैं अपना वार्म अप करता हूँ आप लोग इंट्रो देखिए। हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है स्टैंडिंग शोल्डर प्रेसेस। यहाँ पे हम 4 सेट करेंगे 8 से 12 रेपिटेशन की रेंज में। रेजिस्टेंस बैंड के लिए अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस बैंड है तो हम कुछ इस टाइप से परफॉर्म करेंगे इस एक्सरसाइज को। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड का पेयर है जैसे मैंने रिकमेंड किया है तो हम इस एक्सरसाइज को इस टाइप से लगाएंगे। हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी रियर डेल्ट रेजेस। यहाँ पे हम 3 सेट्स लेंगे 15 से 20 रेपिटेशन की रेंज में, जिसका अल्टरनेटिव होगा केबल रियर डेल्ट फ्लाई रेजिस्टेंस बैंड के साथ। हमारी तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है लैटरल रेजेस। यहाँ पे हम 3 सेट्स लेंगे 12 से 15 रेपिटेशन के, जिसका ऑल्टरनेटिव होगा सिंगल आर्म लैटरल रेजेस विद रेजिस्टेंस बैंड। चौथी एक्सरसाइज हमारी होगी फ्रंट डेल्ट रेजेस। यहां पर हम 3 सेट्स लेंगे 12 से 15 रेपिटेशंस के, और इस एक्सरसाइज का ऑल्टरनेटिव होगा सिंगल आर्म फ्रंट रेजेस विद रेजिस्टेंस बैंड। पांचवी एक्सरसाइज वन ऑफ माय फेवरेट डंबल श्रग्स। यहाँ पे हम 4 सेट्स लेंगे 20 से 25 रिपीटेशंस के साथ। अल्टरनेटिव में आप यहाँ पे श्रग्स करेंगे विद रेजिस्टेंस बैंड। आज की लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी स्टैंडिंग कार्व रेजेस। यहाँ पे मैं 5 सेट्स लूंगा 20-25 रिपीटेशंस के साथ, जिसको आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा शोल्डर एंड काफ्स का वर्कआउट खत्म होता है। अब आप कूल डाउन कर सकते हैं अपनी बॉडी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ईट हेल्दी, स्टे फिट।